नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। MPCS पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दरअसल एक और हमारा यूट्यूब चैनल है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट है, तो उसी आदत के अनुसार हमने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट बोल दिया। ठीक है, तो MPGK के असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है और आज तेसरी संख्या 22 है मित्रों। ठीक है, तेसरी संख्या 22 है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर तीसरी संख्या 22 22 है और यह सभी मध्य प्रदेश की स्पेशल जीके की सीरीज है। यह आप लोग देख सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। और जिनको भी सीरीज ज्वाइन करना है, जिनको भी पीसीएस पाठशाला का एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जनरल हिस्ट्री की सीरीज जिनको भी ज्वाइन करनी है, और लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 299 का, केवल 299 रुपये का कम्प्लीट कोर्स है। जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपये का एक कम्प्लीट कोर्स आप लोगों को मिलेगा और इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मिलेगा, नोट्स भी मिलेगा, वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा, वन लाइनर सीरीज भी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ बेस्ट मटेरियल मिलेगा केवल 299 में। तो आइए मध्य प्रदेश स्पेशल जीके टेस्ट संख्या 22 देखते हैं। ठीक है, टेस्ट संख्या 22। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो चंबल घाटी जो है मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, या फिर मध्य भारत, या फिर विंध्य करारी प्रदेश। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो यह आपका मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार विकल्प सी जो है आपका, वह आपका सही है। देखिए यहाँ पर टिपिकल प्रश्न ही मैं लेकर आया हूँ और जो भी, देखिए अब तो हमारे ख्याल से परीक्षा भी पोस्टपोन हो चुका है, तो बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, लेकिन समय लेकर बेस्ट मटेरियल ही आप लोग को दिए जाएंगे। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री रिसर्च एमपीएससी प्रोफेसर के लिए टेलीग्राम बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी लेकिन जो भी लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे उनको प्राइवेट टेलीग्राम पर ऐड किया जाएगा। केवल 299 की सीरीज है और पूरे नोट्स, पूरी टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलेगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ है? अब देखिए पंचमढ़ी जो है ना, यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसके अलावा कोई हिल स्टेशन नहीं है मध्य प्रदेश में। यह कहाँ है? राजपिपला पहाड़ियों पर है, महादेव पहाड़ी पर है, मैकाली श्रेणी पर है, कागलगढ़ में है। ठीक है, तो एकमात्र हिल स्टेशन जो है आपका पंचमढ़ी कहाँ है? महादेव पहाड़ी पर स्थित है। तो विकल्प बी जो है आपका, वह आपका सही है, विकल्प बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा मित्र। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी कहाँ है? अब मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह धूपगढ़ी, वह कहाँ है? तो यह धूपगढ़ी जो है यह महादेव पहाड़ी में स्थित है, महादेव पहाड़ी पर यह भी धूपगढ़ी भी स्थित है, विकल्प जो है आपका सही है और महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ी स्थित है और यह सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की, ध्यान में रखिएगा। और मैं वन लाइनर सीरीज में इसकी इसकी ऊंचाई भी आप लोग को बताया हूँ। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो यह जो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? विंध्य श्रेणी का, गुंडवाना ट्रैप का, दक्कन ट्रैप का, या इनमें से कोई नहीं। तो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? तो गुंडवाना ट्रैप का, विकल्प बी जो है आपका बहुत सही है। प्रश्न 5 देखिएगा। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? 4, 5, 6। मध्य प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती हैं? तो मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह 5 राज्यों से स्पर्श करती हैं, 5 राज्यों से। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 6 देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो उत्तर प्रदेश की किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है? किसकी करती है? भिंड की करती है, सतना की भी करती है, शिवपुरी की भी करती है। किसकी स्पर्श नहीं करती है उत्तर प्रदेश की सीमा? तो वो आपका है शिवपुर, शिवपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। प्रश्न 7, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श करता है? किस जिले की सीमा गुजरात को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश का? तो वह है झाबुआ, झाबुआ जिला जो है उसकी सीमा गुजरात राज्य से स्पर्श करता है। प्रश्न 8 देखिएगा। मध्य प्रदेश की न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ मिलती है? किसके साथ मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा है? राजस्थान के साथ, महाराष्ट्र के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, या गुजरात के साथ? तो गुजरात के साथ, गुजरात के साथ सबसे कम सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश।
प्रश्न 9 देखिएगा, कर्क रेखा भारत के प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कुल कितने जिले से गुजरती है? 12, 14, 13 या 11? तो 14 जिलों को स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की सीमा। मध्य प्रदेश कर्क रेखा जो है वह प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? तो ऐसे है मध्य प्रदेश, समझिए ऐसे मध्य प्रदेश का मतलब ऐसे है, ठीक है, चतुर्भुज आकार ही है। तो यह इसकी सीमा कितने राज्यों से, कितने जिले से गुजरती है? तो कुल 14 जिलों से होकर गुजरती है। विकल्प बी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 10 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, शेखपुरा की रानी किसे कहा जाता है? अमरकंटक को, पंचमढ़ी को, सिंचाई जलप्रपात को या नर्मदा नदी को? शेखपुरा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को। विकल्प बी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विकल्प बी शेखपुरा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। और शेखपुरा की रानी पंचमढ़ी कहाँ है, किस पहाड़ी पर है? तो वह महादेव पहाड़ी पर है, ठीक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएगा, एमपीएससी टर्न प्रोफेसर जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएगा और सभी वीडियो देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। केवल 299, केवल 299 रुपये में एमपीएससी टर्न प्रोफेसर जीके की सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट नोट, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज, पूरा कंप्लीट ऑनलाइन सीरीज, सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा, ठीक है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।